सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों MI फोन के बारे में। दोस्तों आप भी अगर MI के फोन में गाने सुनते हैं तो आपको दोस्तों MI फोन में जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो उसके ऊपर जो है ऐड प्ले होते हैं, तो उस एड्स को कैसे रिमूव करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको म्यूजिक प्लेयर जो है ओपन करना है MI का। ओके, ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर माई म्यूजिक में आता हूँ और कोई भी एक सॉन्ग को जो है आपको प्ले करके बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सॉन्ग्स जो है मैं यहाँ पर प्ले करने के बाद ये जो है ऐड यहाँ पर मेरे पास आ गया है। तो इस ऐड को हम रिमूव कर लेते हैं। बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद आपको फिर से और एक बैक जाना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर इसकी सेटिंग में। ओके, सेटिंग में जाने के बाद फिर से आपको सेटिंग में जाना है। फिर हम यहाँ पर एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद रिसीव रिकमेंडेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इसको ऑफ कर देना है, ये ऑलरेडी ऑन रहता है तो हम इसको ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद जो है आपको म्यूजिक प्लेयर में जो है कोई भी ऐड नहीं आएगी। तो इस तरीके के ऐड जो है दोस्तों आपको थीम्स में भी आ जाएंगे। तो आप वहाँ पर भी थीम्स की सेटिंग में जाकर रिकमेंडेशन ऑफ कर दीजिए, आपको थीम्स में भी ऐड नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।